अगर क्वालिटी चेक करनी तो इस गाड़ी की आप देखो, अगर तुम यहाँ से भी फेंक दू तब भी इस गाड़ी को क्वालिटी मिलेगी। पेंट की क्वालिटी देखो कितनी अच्छी, और शॉकर भी मिलते हैं इस गाड़ी के अंदर, इसके अंदर भी वही शॉकर और फोर्ड ग्रिल के अंदर है ये गाड़ी। जैसी फोर्ड एंडोवर आ रही है नई वाली, वो वाली गाड़ी थी, और ऊपर भी आपको लाइटिंग मिल जाएगी इसके अंदर। मतलब मेरा 80 किलो तक का वेट है और ये गाड़ी मेरा वेट बड़े ही आसानी से ले ले रही है, और गाड़ी के अंदर जो है आपको शॉकर भी मिल जाते हैं काफी अच्छी क्वालिटी। सो हेलो गाइस, बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो, और आज की जो वीडियो है वो मेरी रहेगी फोर्ड जीप के ऊपर, और BQ 2188 का एक मॉडल आता है उसके ऊपर मेरी बात पूरी की पूरी वीडियो रहेगी। फोर्ड के अंदर काफी सारे कलर आए हैं, ब्लैक, रेड, ग्रे, तो मैं वो आपको दिखाऊंगा। और काफी भाई मेरे को कमेंट कर रहे थे कि भाई आप प्राइस नहीं बताते फोर्ड वाली जीप का या थार वाली जीप का या 2188 का। आज मैं आपको प्राइस भी बताऊंगा, डिटेल भी दूंगा, शॉप का एड्रेस भी बताऊंगा और शॉप का फोन नंबर भी दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, मेरे पास फोर्ड की जीप वापस स्टॉक में आ चुकी है, वो ये गाड़ी आएगी। बहुत अच्छी लुक बनी हुई है, मजबूत लुक बनी हुई है, गाड़ी की क्वालिटी बहुत अच्छी दी हुई है। गाड़ी की आप फ्रंट ग्रिल देख सकते हो कितनी अच्छी फोर्ड एंडोवर वाली दी हुई है, और इसका कलर भी मेटालिक मिलेगा, लाइटिंग भी आपको मिल जाएगी। देख सकते हो कि फ्रंट LED मिल जाएगी, एक दो दोनों LED मिल जाएगी, फोर्ड की बड़ी सी आपको ग्रिल मिल जाएगी लाइटिंग के साथ साथ। देख सकते हो नीचे आपको ये डिपर का ऑप्शन भी इसमें मिल जाता है, बहुत अच्छी है। 888 की बैचिंग मिल जाएगी, बम्पर बहुत अच्छा बनाया हुआ, फिनिशिंग पेंट की क्वालिटी है वो बहुत प्यारी दी हुई है, जैसे अपनी असली गाड़ियों की आती है वही फिनिशिंग दी हुई है। इसमें फ्लैप देख सकते हो आप, पूरा का पूरा फ्रंट सेफ्टी के लिए कितना अच्छा बना रखा है। स्पीड कंपनी की आपको बैचिंग इस पर मिल जाएगी, साइड मिरर आपको इसमें मिल जाता है, मतलब XYZ सारी चीज़ दी हुई है। साइड मिरर भी आपको फोल्डेबल मिलेंगे, ये नहीं कि कोई सिंपल और नॉर्मल से हो, साइड मिरर भी आपको फोल्डेबल मिलेंगे, आप फोल्ड कर सकते हो। साइड से डोर ओपन हो जाता है, देख सकते हो डोर ओपन हो जाएगा, बंद भी कर सकते हो बड़े ही आसानी से। इसकी जाली की ग्रिल देख सकते हो कितनी अच्छी बना रखी है, साइड प्रोफाइल पूरी की पूरी असली गाड़ी जैसी दी हुई है, नई एंडोवर जैसी। अभी हालांकि वो इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है, बट काफ़ी अच्छी क्वालिटी है उसकी भी। और इसकी अलॉय व्हील देख सकते हो, व्हील की क्वालिटी बहुत सुंदर अच्छी दी हुई है, मजबूत है, 50 से 60 किलो तक वेट उठा लेगी। बैक प्रोफाइल में आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपको फ्रंट एलिवेशन मिलेगा, ये स्टिकर मिल जाएंगे लाइटिंग के, 888 की फिर से बैचिंग मिल जाएगी। पीछे भी आपको देख सकते हो लाइटिंग, पीछे प्रॉपर 2-सीटर आएगी, दो बच्चे इसमें आपके कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। पीछे से देख सकते हो जैसा थार वगैरह में पीछे से लाइटिंग आती है, वही पूरी लाइटिंग ग्रिल दी हुई है पीछे से, सेफ्टी के लिए बहुत अच्छी बनी हुई है। और ये देख सकते हो 2-सीटर आएगी इसमें, सीट बेल्ट आपको मिल जाती है गाड़ी के अंदर, ऊपर लाइटिंग में आपको मिल जाएगी जो कि रात में काफ़ी अच्छा फोकस देने वाली है। ये नहीं है कि मतलब लाइटिंग छोटी है तो जलेगी नहीं है कुछ भी, ये चार्जिंग स्लॉट आपको मिल जाएगा 1-6। गाड़ी को एक बार स्टार्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो गाड़ी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, कितना प्यारा इसका स्टार्टिंग साउंड आया। और उसके बाद अगला जो फीचर है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये फ्रंट गियर आएगा, जैसे ही आप एक्सेलेटर दबाओगे लाल वाले बटन को आगे करके गाड़ी आपकी आगे चल देगी, और जैसे ही आप इसको पीछे की तरफ प्रेस कर दोगे और एक्सेलेटर दबाओगे देन आपका बैक गियर लग जाएगा, आप गाड़ी पीछे चलेगी। ये मैनुअली फीचर बता रहा हूँ, रिमोट से भी आपको लास्ट में बता दूंगा। ये स्विंग मोड आता है, जैसे आपका 1-3 ईयर तक का बच्चा है और आपके पास टाइम नहीं है, इस पर बैठा दो गाड़ी ऑटोमेटिक उसे स्विंग कराती रहेगी, झूला झुलाती रहेगी एक ही पोजीशन में, ना रिमोट की ज़रूरत ना पेरेंट्स की। स्टेयरिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी बनाई गई है इसमें, देख सकते हो एक तरफ हॉर्न और एक तरफ म्यूज़िक मिल जाएगा आपको। ये इसके कुछ क्रूज कंट्रोल मिल जाएंगे वॉल्यूम कम करने के लिए, वॉल्यूम ज़्यादा करने के लिए, फ़ोन से कनेक्ट करके ब्लूटूथ से गाने चला सकते हो, USB लगा के, ऑक्स लगा के। म्यूज़िक पैनल बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया हुआ है। गाड़ी की फ्रंट ग्रिल की अगर मैं बात करूं, अब आपको नीचे से इसको एक बार दिखा देता हूं, ये जो गाड़ी है पूरी 4x4 आएगी, एक मोटर ये लगी हुई, 2, 3 और ये 4, चारों पहियों में इसके मोटर आएगी और एक स्टेयरिंग में भी मोटर आएगी, क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी बनाई हुई है। नीचे से फ्रेम काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, और इसके अंदर क्या है ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोल सारे फीचर, इतनी ऊपर से फेंकूँगा तब भी गाड़ी को कुछ नहीं होने वाला। और अब रिमोट के आपको फीचर बता देता हूँ, ये आगे की एरो आ जाएगी, गाड़ी अब आगे चल देगी, ये पीछे की एरो आ जाएगी, अब आप स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हो इसमें रिमोट से, रिमोट से ही राइट हो जाती है, लेफ्ट हो जाती है, और पॉज का बटन भी दिया हुआ है, ब्रेक भी आपके लग जाते हैं, ये देख सकते हो स्पीड कंट्रोल 1-2-3, 1-2-3, और ये पॉज, जब पॉज का बटन दबा हुआ होगा तो कुछ भी वर्क नहीं करेगा, देन अगेन प्रेस करोगे वो रिलीज़ हो जाता है गाड़ी की। आप फ्रंट एक बार एलिवेशन देख लो कितनी अच्छी बनाई हुई है। इसके बाद जो अगला मॉडल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, महिंद्रा थार।
अब इस गाड़ी की आप देख सकते हो कितनी अच्छी ग्रिलिंग बना रखी है, क्रोम का काम मिल जाएगा आपको, ये क्रोम मिल जाएगा, अंदर क्रोम मिल जाएगा, इसकी पूरी महिंद्रा थार वाली ग्रिल बना रखी है, पेंटेड कलर आएगा, गोल्ड रिंग वाली लाइट जैसी आजकल थार में बंदे मॉडिफाई कराने के बाद लगाते हैं वो आपको इसमें इनबिल्ड मिलने वाली है। गाड़ी की पेंट क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी हुई है, आगे ये बम्पर मिल जाएगा काफ़ी अच्छा, अगर बच्चा गाड़ी ठोकता भी है तो गाड़ी को सेफ रखेगा। पेंट की क्वालिटी पूरी ओरिजिनल की तरह यूज़ करी गई है, पुलिस की बैचिंग मिल जाएगी, राइडर देख सकते हो लिखा हुआ मिल जाएगा, पुलिस की ऊपर मिल जाएगी, शीशा आप देख सकते हो कितना अच्छा बनाया हुआ, थार की पूरी ग्रिल मिल जाएगी, असली थार मिनी थार पेंटेड के अंदर। साइड मिरर आपको इसमें फोल्डेबल मिल जाते हैं, साइड से मिरर भी इसमें आप फोल्ड कर सकते हो, साइड से डोर ओपन हो जाते हैं इसमें, बड़े ही आसानी से डोर भी ओपन करके बच्चा बैठ सकता है खुद इसमें अपने आप। ये फुट रखने वाली जगह मिल जाएगी, फुट रेस्ट, पैर रखा अंदर चढ़ा और आराम से बच्चा गाड़ी को ड्राइव कर सकता है। साइड से प्रोफाइल बहुत अच्छी बना रखी है, पूरी थार की तरह आप देख सकते हो, पेंटेड क्वालिटी है तो इसको कुछ भी नहीं होने वाला, प्रॉपर टू सीटर है, दो बच्चे इसके अंदर बैठेंगे, देख सकते हो स्पीड कंपनी की बैचिंग मिल जाएगी, ऊपर लाइटिंग का पूरा ये फ्रेम बना रखा है कितना अच्छा, और मजबूत भी है ये गाड़ी, सिर्फ ये नहीं कि मतलब कुछ भी बना रखा है ऐसा कुछ नहीं है, साइड से भी इसके डोर ओपन हो जाते हैं, साइड से भी आप लुक देख सकते हो कितनी अच्छी बना रखी है। सीट बेल्ट आपको इसमें मिल जाएगी बच्चे की सेफ्टी के लिए, पीछे की प्रोफाइल आप देखो, एक आपको पीछे इसमें टायर मिल जाता है एक्स्ट्रा, ये देख सकते हो थार कंपनी की जैसी असली थार की लाइट आ रही है स्क्वायर शेप में, वही लाइट मिलेगी, इंडियन ISI मार्क मिल जाएगा इसके अंदर आपको, एलॉय व्हील मिल जाएगी इसमें देख सकते हो, और एक टायर एक्स्ट्रा मिलेगा जैसा असली थार में आता है स्टेपनी वाला, वही आपको लाइटिंग करी गई है। पीछे की प्रोफाइल तो मतलब बिल्कुल सेम रखी हुई है, क्योंकि आजकल बच्ची को जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा थार आ रही थी, पीछे से प्रॉपर टू सीटर है, लाइटिंग इसमें मिल जाएगी आपको, ब्लूटूथ आएगा देख सकते हो, चारों पहियों में अलॉय व्हील आएगी, स्टीयरिंग क्वालिटी बहुत अच्छी दी हुई है, पहिए की क्वालिटी बहुत अच्छी बनाई हुई है गाड़ी के अंदर, दूसरी साइड से भी डोर ओपन हो जाता है, गाड़ी के सारे फीचर दिखा दिए, और असली थार की तरह ही बोनट भी खुल जाता है, इसमें बच्चा अपना सामान रख सकता है कुछ भी। अब आपको क्या इसके इंटरनल फीचर दिखा देता हूँ, ये की स्टार्ट बटन आएगी, गाड़ी ऑन होती है, सामने आप देख सकते हो कितना अच्छा है, ये फ्रंट गियर आ जाएगा, जैसे ही बच्चा गियर डालने के बाद एक्सेलेटर आगे दबाएगा गाड़ी आपकी आगे चल देगी, और गियर को पीछे डाल दिया देन एक्सेलेटर दबाएगा तो गाड़ी आपकी पीछे चल देगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी इसकी क्वालिटी बनाई हुई है। ये बटन लाइटिंग का है, अगर आपको दिन में लाइटिंग नहीं जलानी, बैटरी आपकी ज़्यादा ना कंजम्पशन हो तो उसके लिए, और ये ऑटोमेटिक स्विंग मोड, एक ही पोजिशन में गाड़ी झुलाती रहती है, स्विंग मोड कंपलसरी है हर गाड़ियों में आपको मिलेगा, और इसमें भी आपको हॉर्न मिल जाएगा और म्यूज़िक मिल जाएगा, स्टीयरिंग क्वालिटी इसकी भी काफ़ी अच्छी है, ब्लूटूथ इसमें भी, रिमोट कंट्रोल आएगा, आवाज़ कम ज़्यादा कर सकते हो, बैटरी इंडिकेशन इसके अंदर आपको मिल जाएगा देख सकते हो, और उसके साथ साथ ये 70-80-90 किलो तक वेट उठा लेती है, प्रॉपर टू सीटर है, महिंद्रा थार की ग्रिल बनाई हुई है। तो जल्दी जल्दी कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब क्या रिमोट से चला के दिखा देता हूँ, ये फ्रंट गियर आ जाएगा गाड़ी का, एक्सेलेटर से आगे चलेगी, और ये आपकी गाड़ी क्या है पीछे चलेगी देख सकते हो, ये आगे आ गई, ये पीछे चली गई, आगे पीछे, उसके साथ साथ क्या है ये राइट भी हो जाती है, लेफ्ट भी होती है, ऐसे स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, 1, 2, 3, और ये राइट देन लेफ्ट, राइट लेफ्ट दोनों ही आपकी गाड़ी हो जाएगी, 50-60 किलो तक वेट उठा लेगी। पॉज का बटन आ जाएगा, जैसे आप पॉज दबाओगे लाइट ब्लिंक होगी, देन कुछ भी आपका वर्क नहीं करेगा। गाड़ी की क्वालिटी आपने चेक कर ली, फिनिशिंग आपने चेक कर ली, कितनी अच्छी बनाई हुई है देख सकते हो, मतलब इतनी प्यारी गाड़ी है थार की। तो मैंने आपको दोनों की दोनों गाड़ियां दिखा दी है, अब ये जो ब्लैक थार है ये मेटालिक कलर में, इस वजह से इस गाड़ी का प्राइस आएगा 12,500 रुपए, और जो मैंने आपको ब्लू कलर की फोर्ड दिखाई है उसका प्राइस आएगा 4x4 के अंदर 85, और अगर 4x2 लेते हो तो वो आएगा 8,000 रुपए। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी हो जाती है बट उनके चार्जेस अलग आते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।